डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट खत्म है, अक्षरा 7.9 कंटिन्यू है, 6 का फर्स्ट। अब आ गई पैरामेट्रिक फॉर्म, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t। हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d2y dx स्क्वायर। ये क्या होता है? डेरिवेटिव है dy / dx, इसी का डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे पहले हो चुका अपना पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो पहले हम dy / dx निकालेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। x = a cos t, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। पहले हम dy / dx निकालेंगे, तो dx बटे में dt मिलेगा यहां से, a cos का माइनस sin t। और डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, dy / dt, b sin का cos t। अब हमें चाहिए dy / dx, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे मिलता था? dy / dt और dx / में dt। dy / dt b cos t और वो माइनस a sin t, b / a माइनस का cos t / में sin t cot of t। अब देखिए हमें dy / dx का डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से तो क्या d2y dx स्क्वायर। यहां पे अब ये t कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि t क्या है? वेरिएबल। तो जैसे अपना थोड़ा इंप्लिसिट डेरिवेटिव आएगा, उस तरीके से करेंगे इसको माइनस b / a। सपोज दैट cot y होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता विद रिस्पेक्ट टू x? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y, और y का dy / dx। तो cot t का क्या हो जाएगा? माइनस cot का कोसेकेंट स्क्वायर t, और t का dt / dx। तो माइनस इनटू माइनस प्लस v / a कोसेकेंट स्क्वायर t dt / dx, कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगी, ये रही जी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? dt / dx चाहिए, लेकिन गिवन क्या है? dx / dt। तो इसका अपोजिट कर देते हैं 1 / dx / dt, तो मिल गया ना dt / में dx। तो इसका अपोजिट पुट कर देंगे हम माइनस 1 / a sin t, तो माइनस इनटू प्लस, माइनस b a इनटू a, a स्क्वायर sin t ऊपर जाके कोसेकेंट t, और कोसेकेंट स्क्वायर पहले पड़ा है तो कोसेकेंट क्यूब t, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 का थर्ड पार्ट, x = a * में cos थीटा + थीटा sin थीटा, और y = a * में sin थीटा - थीटा cos थीटा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे हम dx / में d थीटा। ये चीज यहां पे लिखनी है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a cos का माइनस sin थीटा प्लस थीटा * sin थीटा का यू * v, थीटा एज इट इज sin थीटा का cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज थीटा का 1। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो dx / में d थीटा क्या आ गया? a थीटा cos थीटा, a * में थीटा * में cos थीटा। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy / d थीटा, तो a sin का cos थीटा माइनस इसमें u into v, थीटा एज इट इज cos का माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज थीटा का 1। तो a cos थीटा माइनस इनटू माइनस प्लस थीटा sin थीटा, माइनस इनटू प्लस माइनस cos थीटा, कैसे कैंसिल आउट? a थीटा
साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या है, dy by dx, तो dy by d थीटा और dx y में d थीटा, तो dy by वाला क्या है a थीटा साइन थीटा और ये a थीटा cos थीटा, a से a थीटा थीटा साइन by cos tan थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d टू y dx स्क्वायर, tan का secant स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा by dx, तो secant स्क्वायर थीटा d थीटा by dx इसका अपोजिट, when one y में थीटा a थीटा cos थीटा, तो cos ऊपर जाके secant बन जाएगा, secant क्यूब थीटा y में a थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7th का सेकंड, x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta, तो differentiate equation number 1 with respect to theta, dx by d theta, 2 cos का minus sin theta, minus cos का minus का sin 2 theta और 2 theta का 2, तो ये क्या जाएगा, dx by में d theta, 2 कॉमन ले लिया हमने, माइनस साइन थीटा, ये बच गया माइनस इनटू माइनस प्लस साइन 2 थीटा, ये बच गया। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy by d थीटा, 2 साइन का cos थीटा माइनस साइन का cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2, इसमें से भी 2 कॉमन, cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा, ये बच गया हमारा dy by dx, dy by d थीटा डिवाइड बाय 2, इसको पहले लिख लेते हैं sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d2y dx स्क्वायर। बच्चों ये स्टेप ध्यान से देखना आप लोगों ने, इसके अंदर लगेगा हमारा u by v sin 2 थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब sin 2 थीटा माइनस sin थीटा का एज इट इज, इसका डेरिवेटिव cos का माइनस sin थीटा, cos थीटा का हो चुका। अब थीटा का d थीटा by dx, cos का क्या था माइनस sin और थीटा का क्या था d थीटा by dx, यहां पे d थीटा by dx आएगा, और मैंने इनमें से sin लगा दिया भाई, यहां पे आएगा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव बनेगा, तो cos का तो माइनस sin 2 थीटा इनटू में 2 थीटा का d थीटा by में dx, मींस माइनस का 2 sin 2 थीटा इनटू में d थीटा by dx, ये एक बार इसके लिए भी मैंने sin लगा दिया, तो यहां दोनों जगह आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला है, जो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो चुका माइनस ऊपर वाला एज इट इज cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इनटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का डेरिवेटिव sin का तो cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 और d थीटा by dx, तो 2 cos 2 थीटा इनटू में d थीटा by dx, एक बार ये sin लगा दिया भी यहां पे भी आएगा, उसके बाद इसका ऊपर माइनस sin थीटा का क्या होगा cos थीटा और थीटा का d थीटा by dx, तो cos थीटा और d थीटा by dx। अब समझिए जो स्टेप है मेन, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा d थीटा by में dx, d थीटा by में dx, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम d थीटा by dx, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आ जाएगा ये
डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका कॉमन यहाँ आ गया ये डी थीटा वाई डी एक्स, ये लॉजिक। इसी प्रकार से यहां पे डी थीटा बाई डी एक्स है, डी थीटा बाई डी एक्स है, यहां से इन दोनों का कॉमन यहां आ गया डी थीटा बाई डी एक्स, या यहां लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया और ये हो गया। अब सपोज है ये टोटली, सपोज कर लिया हमने पी है ये गुणा में डी थीटा बाई डी एक्स माइनस, ये टोटली मान लिया हमने क्या हुआ है इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स, तो दोनों में से डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यही स्टेप है कि ना तो हम यहां लिखेंगे और ना ही हम यहां लिखेंगे, ओवर ऑल हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हमें ना यहां वैल्यू बार बार पुट करनी, ना यहां यहां पे और यहां पे, इकट्ठे हम लास्ट के अंदर पुट अप कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, पजलने से बच जाएंगे, पजल नहीं होंगे हम, क्योंकि यहां वैल्यू पुट करेंगे फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड यहां करेंगे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड फिर यहां यहां। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर साइन टू थीटा, अब देखिए ये माइनस का साइन है और माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे ठीक है। तो अब देखिए साइन टू थीटा इंटू में साइन थीटा, मीन साइन थीटा साइन टू थीटा माइनस का, ये माइनस का है, साइन टू थीटा इंटू में साइन टू थीटा साइन स्क्वायर टू थीटा टू टू साइन स्क्वायर टू थीटा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इंटू प्लस माइनस साइन थीटा इंटू में साइन टू थीटा साइन थीटा साइन टू थीटा, माइनस का टू साइन थीटा साइन टू थीटा, उसके बाद माइनस है कोस थीटा इंटू में टू कोस टू थीटा माइनस टू कोस थीटा और कोस टू थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसके साथ करें कोस टू थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में टू टू कोस स्क्वायर टू थीटा, और ये प्लस है इंटू में माइनस माइनस कोस टू थीटा कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा कोस थीटा, डिवाइड में ये चल रहा है, डिवाइड में ये आएगा ही आएगा। अब देखिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, ठीक है जी। अब यहां पे टू साइन स्क्वायर टू थीटा टू कोस स्क्वायर टू थीटा, दो कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस में कोस स्क्वायर टू थीटा, ये भी वन, तो टू इंटू में वन, इसका भी हिसाब किताब हो चुका। अब देखिए कोई और कटने वाले हैं और नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे फिर देख लेते हैं, साइन थीटा साइन टू थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का टू कोस थीटा कोस टू थीटा, और ये माइनस का वन है तो माइनस का चलिए इसको आगे